के लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान ये होगा इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में। कुछ चैलेंजेस हैं हमें, जिस तरह मैंने कहा पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ जिस तरह नौजायदा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस तरीके से मैं उनको दूध पिला रहा हूँ। इस वक्त एक न्यू बॉर्न बेबी है, मुझे ख्वाब में भी चीज़ें नज़र आती हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मेरी बीवी अभी आज मनीला से आई है एक अवार्ड जीत कर, उसका फ़ोन आया था सुबह, मैंने किया उसको लेने के लिए क्योंकि मुझे सैटरडे संडे था, तो मैंने कहा कि आज मेरी मैं देखूंगा कि पानी मिला कि नहीं। अभी उसका फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई कहाँ है आप, यू कैन टेक मी फ्रॉम द एयरपोर्ट। मैं उसको बताता था कि एक और रोमांस है मेरा जैसे कहते हैं, तो उसमें मैं हूँ आज का दिमाग भी। तो हमें जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट है उसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। सीवरेज ट्रीटमेंट ऑलरेडी अब्दुल रफी साहब सो काइंड एंड हम्बल सेट कि उन्होंने हमने बाकायदा हमें 3 किलोमीटर की खुदाई करके उसमें पाइप डाला है और जो टैंक है वो भी हम उसको बना रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर जो जो जगह है वहाँ हमने आइडेंटिफाई की है चीज़ें, तो उसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक राइट एक बहुत डेंजरस जगह है, अब्दुल रफी साहब ने कहा था कि हम इसमें फंक्शन करेंगे, तो मैं डरता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ किटनी हिल के नाम से ना आ जाए कि किसी को चोट लग गई, कोई गिर गया। ये बैड वोमेन है, वो मैं नहीं चाहता था। मैंने अब्दुल रफी साहब से कहा कि मुझे डर लगता है कि यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई स्टेप हो, कोई चीज़ हो, ये हमने ये किया। तो हमें फेंसिंग करनी है पूरे किटनी हिल को, मेक श्योर यहाँ कोई बच्चा आ जाए, कोई बूढ़ा आ जाए, कोई औरत, तो मैं नहीं कहूँगा औरत ज़्यादा अच्छी होती है मर्दों से, कोई भी आ जाए, एनी मैन एनी किड वो सेफ महसूस करे, कोई इस तरह की जगह ना हो जहाँ नशे में उनके लिए मुश्किल हो। मैं बिजली के लिए परेशान हूँ यहाँ पर, मैं रात को जिस तरह सनसेट भी ढल जाएगी इट विल ऑल डार्क, तो मुझे सोलर चाहिए यहाँ पर, सोलर सिस्टम का निज़ाम चाहिए छोटा, उसके लिए मैं चाहता हूँ। यहाँ बेंचेस मुझे चाहिए ताकि यहाँ के लोग आके बैठ सकें खूबसूरत जगह पे। यहाँ की ब्यूटिफिकेशन मुझे करनी है, जो टैंक है उसे मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी पेंटिंग हो यहाँ पर, फ्लावर्स की, जंगलात की, अमेजोन की, सुंदरबन की, दुनिया के जो जंगलात हैं उनकी सारे खूबसूरत फूल हैं, दरख्त हैं, उसकी पेंटिंग्स को मैं चाहता हूँ। मुझे एक चीज़ जो जबरल तारीख है, कराची का हाइस्ट पॉइंट है दैट इज़ 219 फीट, उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं जो कि 40 फीट ऊपर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 260 फीट ऊपर झंडा लगेगा, 260 फीट, इट विल बी द हाईएस्ट फ्लैग ऑफ कराची सिटी, और वो तमाम चीज़ों हमारी उसकी सारा बेस लग गया है, उसकी हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है उसकी इस हिल की, और उसको हमें ब्यूटीफाई करना है ताकि लोग वहाँ पर जा सकें, वहाँ पे घूम सकें। यहाँ पे लोगों के लिए मैं खोलना चाहता हूँ इसको अनकरीब, यानी ताकि जिनकी जो चीज़ें उनको मिले वो यहाँ पे आके राहत महसूस करें, खुशी महसूस करें, हुकूमत पे उनका एतमाद आए कि गवर्नमेंट ने उनके लिए ये चीज़ तमाम की, तो उसके लिए मुझे वॉशरूम्स दरकार है। मैं टेम्प्रेरी वॉशरूम्स पे मुझे यकीन नहीं रखता, आई वॉन्ट परमानेंट, जो चीज़ हो उसकी परमानेंसी हो, टेम्प्रेरी चीज़ ना हो। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो इमीडिएटली वी नीड बेंचेस जो कि आई थिंक इट मस्ट बी इन 4 digits, एटलीस्ट 5,000 के करीब, इवन 3,000 के करीब हमें बेंचेस चाहिए। वी नीड द फेंसिंग ऑफ ऑल दिस कितनी हिल, वी नीड द वॉशरूम्स अराउंड, देन सीवेज के वर्क के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, इट्स अ बिग जॉब। अभी काजी साहब कह रहे थे कि ये बहुत आराम से होगा, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू मीट मिस्टर काजी, तमाम चीज़ें, तो हमें इस पर सपोर्ट चाहिए कि इसको बनाने के लिए। एडमिरल हुसैनी साहब का ग्रेट होम वर्क है, इज़ अ लवर ऑफ द नेचर, तो ही हैज़ ऑल द, उसमें हमें चाहिए। फिर हमें मैंने कहा जबल तारीख के लिए लोगों के ऊपर चढ़ने के लिए सिस्टम हमें उसमें चाहिए, फॉर द ब्यूटिफिकेशन के लिए वी नीड द थिंग्स, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ नहीं है, इसका मुश्किल तरीन मेरे लिहाज से अगर कोई मुझसे पूछे तो इसका 90% वर्क इज डन, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम था
उसको कंसीव करके करने का था। अब बाकी तो जो चीज़ें, जब लड़का जवान हो जाए तो अच्छी लड़की भी शादी के लिए होती है, अच्छा ससुर भी आएगा, हर कोई चाहता है कि मैं ये करूँ। तो जो मुश्किल काम था वो बल्दी उस्मा कराची ने कर दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, ड्राइवर्स को, माली को, कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की, तमाम डिपार्टमेंट, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मैनेजमेंट मॉडल जो यहाँ पर किया है, जिसमें गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को टैप करके थ्रू बेटर मैनेजमेंट हमने इन तमाम चीज़ों को अचीव किया है, और किडनी हिल उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम मेहमानान ग्रामी का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए किडनी हिल। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला रफ़ी साहब का फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स पे, एतर हुसैनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोशिश की तमाम लोगों को बुलाने के लिए। ये जगह कराची के लोगों के लिए, मैंने ट्रांसफ़र हो जाना है कहीं भी, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था, मैंने रुकवाया है कि नहीं मुझे कुछ काम करना है किडनी हिल में, सर मुझे अभी नहीं, मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन नहीं रुक सकूँगा इस जगह पर, मैं कहीं भी चला जाऊँगा, कहीं के पी के, बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद या इंटीरियर से पोस्ट हो जाऊँगा, तो मैं हर दिन को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, दिस इज़ द टाइम। मतलब बहुत अच्छी टीम है किडनी हिल की, हम सबको अपना अपना शेयर थोड़ा सा जितना कर सकता है आदमी ज़रूर करना चाहिए, और इस जगह को एक रिमार्केबल जगह बनाना चाहिए ताकि ये एक बहुत अच्छी मिसाल हो पाकिस्तान में। कराची से मैं रह के आया हूँ चारों सूबों में, ये मेरा फोर्थ प्रोविंस है सर्विंग एट डिफरेंट पोजीशन। लोग अब कराची से घबराते हैं थोड़ा सा, तो कराची के नाम देख के वो कराची 90s का, तो अब हमारे पास टाइम है कि हम साबित कर दें कि इस शहर के इतने ज़्यादा अच्छे इलाके में, बहुत एफ्लुएंट एरिया ये, एक ऐसी जगह हुई और तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हुई, सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू एक ग्रेट मॉडल हमें मिला। तो मैं इन चंद अल्फाज के साथ एक दफ़ा शुक्रगुजार कर शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस सुहानी शाम को, इसकी जो हवा है, इस प्रेम शाम की, ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस किडनी हिल के लिए जो सलाहियत मुझमें है, जिस तरह की, तो मैं पूरी करूँगा, एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू दिस प्लेस, कि जगह प्रॉस्पर करे और सब, हम सब यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस करें। थैंक यू।